बच्चों आज की क्लास में हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉन इंडेक्स प्रोटेक्टर्स नॉन इंडेक्स प्रोटेक्टर्स देखिए बच्चों इससे पहले हम एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल एबी जिन जहां ए का मास m1 बी का मास m2 और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस r मानते हुए इस मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं बच्चों ये डायनेमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन ऑसिलेट करते समय यदि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट बनाए रखता है तब इस डायनेमिक मॉलिक्यूल को हम लोग रिजिड रोटेटर के नाम से जानते हैं बट यदि इसी डायनेमिक मॉलिक्यूल में ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं रहे जब ये मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन प्रोसीड करे या ये कह दो कि गुणा गति करते हुए डायनेमिक मॉलिक्यूल का ये जो अंतर्नाभिकीय दूरी है इसके मामले में कोई चेंज आता है तब हमारा ये घूर्णन रोटेटर रिजिड रोटेटर नहीं कहलाएगा तो फिर ये दूरी बार बार चेंज हो सकती है ऐसे में इसे हम आर इज नॉट ए कॉन्स्टेंट है आर कॉन्स्टेंट नहीं रहे तब इस डायनेमिक मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड रोटेटर कहा जाता है तो बच्चों आज हम देखेंगे कि रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर के केस में एनर्जी के इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होता है सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिड रोटेटर की एनर्जी इक्वेशन पर तो बच्चों रिजिड रोटेटर के लिए जो एनर्जी का इक्वेशन था वो था E^2 / B^2 + 1 अब यहाँ पर जो z लिखा है वो तो है रोटेशनल कांस्टेंट नंबर और ये जो b है ये रोटेशनल कांस्टेंट और P का मान H upon 8π/C H constant, C constant, pi constant तो P anti constant है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर देंगे रोटेटर का तो B का मान भी चेंज होगा और B के मान में अगर चेंज आएगा तो रोटेशनल क्वांटम नंबर की एनर्जी भी चेंज होगी बच्चों यदि रोटेशनल क्वांटम नंबर का मान 0, 1, 2 और 3 माना जाए तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स क्रिएट होंगे
जे बराबर टू जीरो, जे टू प्लस टू और जे प्लस टू, ये जीरो होगा, ये टू बी के बराबर हो गया है जी सिक्स। बच्चों अगर डायनामिक मॉलिक्यूल क्वांटम नंबर जीरो में रोटेशनल मोशन पॉसिबल होता है तो उसकी रोटेशनल एनर्जी का मान जीरो होगा, क्वांटम नंबर एक में होने पर रोटेशनल एनर्जी का मान टू बी के बराबर होगा, क्वांटम नंबर दो में रोटेशनल मोशन पॉसिबल होने पर सिक्स बी के बराबर रोटेशनल एनर्जी होगी। यानी कि जो गैप है ये गैप यहाँ पर टू बी का है फॉर बी के बराबर, मीन्स रोटेशनल क्वांटम नंबर बढ़ने से सब गैप का मान टू बी ब्रिज होगा, टू बी इंटू फॉर बी ये सिक्स बी गैप बढ़ जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये जो बी है वो एंटी प्रोपोर्शनल आई के और आई इज इक्वल टू होता है म्यू आर स्क्वायर, इसका मतलब रिड्यूस मास से आर का मान चेंज कर दें तो आई भी चेंज कर जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डायटम मॉलिक्यूल लिया और इस डायटम मॉलिक्यूल की जो लेंथ थी उसको बढ़ा दिया, रोटेशन मोशन के दौरान ही डायटम मॉलिक्यूल की जो लेंथ थी वो यहाँ से बढ़कर कितनी होगी, कितनी होगी, तो लेंथ अगर बढ़ जाती है तो रोटेटर रिजिड नहीं माना जाएगा वो नॉन रिजिड होगा, और नॉन रिजिड रोटेटर में अगर आर ज़्यादा आती है तो आर के बढ़ने पर आई बढ़ेगा और आई के बढ़ने पर बी घटेगा, एंटी प्रोपोर्शनल है बी एंटी प्रोपोर्शनल, तो एंटी प्रोपोर्शनल होने से आर का मान बढ़ने पर रोटेशन मोशन करते हुए डायनामिक मॉलिक्यूल की रोटेशन एनर्जी की वैल्यू में घटती है। तो अगर ये गैप्स जो हमने बनाए वो रिजिड रोटेटर के हैं, तो बच्चों ये जो बी था ये बी मैं प्राइम कर देता हूँ, ये बी तो है रिजिड का और ये है नॉन रिजिड का, तो नॉन रिजिड वाले केस में अगर लेंथ बढ़ जाती है तो बी का मान डिक्रीज कर जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा बी का, और बी का मान डिक्रीज कर जाएगा तो नॉन रिजिड रोटेटर के लिए जब हम लोग ये लेवल्स स्केच करेंगे तब वो लेवल्स कुछ किस तरीके से होंगे, ऐसे ये तो सेम है किस तरीके से, ये किस तरीके से, तो ये नॉन रिजिड एनर्जी होती है वो रिजिड रोटेटर के कंपैरिजन में कम होती है, सेम क्वांटम नंबर के लिए यहाँ इतना एनर्जी लेवल था हमें डिक्रीज कर दिया, नॉन रिजिड को भी डिक्रीज कर दिया, तो टू बी से होगा तो टू बी, ये फोर बी के बराबर, ये सिक्स की बी के बराबर, लेकिन रिजिड वाले का बी इज ग्रेटर देन नॉन रिजिड, आप ये कह सकते हैं रिजिड रोटेटर के लिए रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू घूर्णन स्थिरांक की वैल्यू नॉन रिजिड रोटेटर के कांस्टेंट से ज़्यादा होगा, और अगर बी का मान ज़्यादा होगा तो गैप भी ज़्यादा होगा, केवल और केवल हमें इससे बात ध्यान रखनी है कि रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर होने पर रोटेशन क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो देखनी है, नॉन रिजिड के केस में डिक्रीज करते हैं। अब देखिए ये इतना गैप यहाँ पर शो कर रहा है जीरो बन गया, इतना ही आ गया, तो इसका है तो टू बी के बराबर ही दो जगह, लेकिन जो कि नॉन रिजिड के बी के वैल्यू कम होती है रिजिड वाले से तो गैप कम हो जाएगा, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि रिजिड और नॉन रिजिड रोटेटर को जब कंपेयर करते हैं तो केवल और केवल इनकी एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस आता है, नॉन रिजिड के लेवल्स के बीच का स्पेस कम होता है बजाय इसके रिजिड होने, बस इतना ही होगा उसके लिए।